तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दरअसल महागठबंधन में नासिक लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेगी, यह उलझन पिछले कई दिनों से थी और इसी सीट को लेकर नासिक पर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार ने अपना दावा ठोका था। हालांकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने आज घोषणा की कि वह खुद ही अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आने के बावजूद टकराव कम नहीं हो रहा है। प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और तटकरे हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि हम 6 बजे आए हैं सुबह दिल्ली से और रात को 3 बजे मीटिंग खत्म हुई। अमित शाह साहब वहाँ थे और जब अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सुधार संघ, उनमें जो चर्चा हुई, जब नासिक की चर्चा आई तो अमित शाह साहब ने कहा कि वहाँ छगन भुजबल जी को खड़ा होना चाहिए, उनको खड़ा कीजिए। तो मैंने तो इनको कहा, अजित पवार को मैंने तो मांगा नहीं था, तो आपने नहीं मांगा था क्या, मगर उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ भुजबल जी को खड़ा करो। तो अभी हम क्या करें, 24 घंटे आपने मुझे दे दो, विचार विमर्श करता हूँ। 24 घंटे के बाद मैं फिर गया, फिर उन्होंने वही कहा कि हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, तुमको है कन्फेस करना है, तुमको लड़ना है। हमने जाके जो है नासिक में जो है लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मराठा हमारे जो कुछ जो है चाहते हैं वो आए, ओबीसी के आए, आदिवासी आए, दलित, मुस्लिम, कई सारे नासिक से, क्योंकि मैंने काफ़ी हम लोगों ने काम किया है, डेवलपमेंट का काफ़ी काम किया है, तो हमने हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि नहीं, हम पूरे आपको साथ देने वाले हैं, आप खड़ा हुए नासिक की डेवलपमेंट के लिए, और साथ साथ मोदी साहब के हाथ भी हमको मजबूत करना है, क्योंकि 3 MLA जो है वो मोदी साहब के बीजेपी से है, नासिक से आते हैं।